वेलकम गाइस, आज हम रोमांस के समंदर में डूबकर फैंटेसी की एक ऐसी झलक को देखेंगे जो न सिर्फ आपको एक्शन का मजा देगी बल्कि प्यार का वो मीठा एहसास भी करवाएगी जो हमेशा आपकी यादों में रहेगा। और हाँ, ये सभी शोज हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन कहाँ और कैसे देखोगे वो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर इस चैनल पर नए हो ना यार, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें थोड़ा सा सपोर्ट तो कर देना यार। तो क्या कहते हो, वीडियो को शुरू किया जाए? नंबर 5 पर है देजाऊ। काम के चक्कर में खुद की लाइफ को भी न जी पाने वाला डाले ऐसे ही अपनी शादी की 6वीं सालगिरह भूल जाता है, जिसकी वजह से वहां प्रॉब्लम्स तो होती है, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम तो तब होती है जब एक मिस्टीरियस कैब ड्राइवर उसे एक अलग ही डायमेंशन में ले जाता है, जहां से अगर उसे वापस आना हो तो उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। लेकिन क्या वो अपनी लाइफ को चेंज कर वहां से वापस आ भी पाएगा या नहीं, वही जानने के लिए आपको इसे देखना होता है। वैसे इसके अंदर रोमांस और ट्रेजेडी के एंगल को काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, जो दिखता भी है और मजे भी देता है। नंबर 4 पर है योंगपाल। पैसों की जरूरत में ताई होंग योंगपाल नाम से अपनी सर्जिकल स्किल्स क्रिमिनल्स को प्रोवाइड कर कुछ पैसे कमाता जरूर है, लेकिन ऐसे ही एक दिन जब वो कुछ करप्ट सर्जन्स के साथ कोमा में पड़ी चेबॉल की वारिस हानियोजिन से मिलता है, तो उसकी लाइफ अनवांटेड कॉन्स्पिरेसीज से भर जाती है, जिनसे वो किस तरह बाहर निकलेगा और किस तरह वो योजिन को कोमा से जगाएगा, वही जानने के लिए आपको इसे देखना होता है। वैसे एक रोमांटिक स्टोरी लाइन के साथ में सस्पेंस से भरा रिवेंज का एंगल हमें इस शो के पूरे मजे देता है। नंबर 3 पर है वंस वी गेट मैरिड। छोटे से ऑनलाइन फैशन शॉप की ओनर गुशी एक प्राइवेट रिसेप्शन के दौरान प्रेसिडेंट सी चैन से मिलती है, लेकिन वहां कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से इनकी लाइफ एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैरिज में बंध जाती है। लेकिन वहां ऐसा क्या होता है और जब ये दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज एक साथ होंगी तो शो में कौन से नए ट्विस्ट आएंगे, वही जानने के लिए आपको इसे देखना होता है। वैसे छोटी मोटी नोकझोंक में पनपता प्यार और रोमांस के साथ में थोड़ी बहुत कॉमेडी के मजे आप इस शो से आसानी से उठा लोगे। अरे रुको भाई, आपको जिसका इंतजार है वो भी बहुत ही जल्द आने वाला है, तब तक नीचे जो लाइक का बटन है ना उसे दबा दो, और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको किस तरह की मूवीज और वेब सीरीजेस देखना पसंद है उसके बारे में थोड़ी बहुत थॉट्स जो है वो लिख लेना। नंबर 2 पर है इंटेंस लव। ये सीरीज एक दूसरे से अनजान दो ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर्स झाओशी युन और सुजिन बे की कहानी को बयां करती है, जो अपने माँ बाप द्वारा बचपन में ही अरेंज की गई अपनी शादी से इनकार कर देते हैं, बट फिर भी एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को महसूस भी करते हैं। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे उसके बाद इनकी लाइफ में कौन से नए और मजेदार ट्विस्ट आएंगे, वही जानने के लिए आपको इसे देखना होता है। वैसे जबरदस्त रोमांस के साथ में कॉमेडी का मिलाप इसकी स्टोरी लाइन को काफी इंटरेस्टिंग बना देता है, जिससे आप इसके पूरे मजे बेहद आसानी से उठा सकते हो। तो फाइनली नंबर 1 पर है डुओलियो कॉन्टिनेंट। जीत आखिर शलांकी स्कूल की हो, हमें शलांकी के लिए लड़ना है, मुस्तकबिल के लिए लड़ना है। विलक्षण प्रतिभाओं के धनी तांग सिंह को अपनी मां की मौत के बाद एक महान सोल मास्टर बनने न्योडिंग एकेडमी भेजा जाता है, जहां कुछ समय बिताने के बाद श्रेक एकेडमी में अपने नए दोस्तों और बड़ी हुई पावर्स के साथ वो रॉयल टियांडू एकेडमी में जाता है। वहीं कई सारी साजिशों का शिकार बनते हुए वो किस तरह एक ग्रेट सोल मास्टर बनेगा, वही जानने के लिए आपको इसे देखना होता है। वैसे डेंजरस मैजिकल एडवेंचर के साथ में खतरनाक एक्शन और बेहतरीन विजुअल्स को देखते हुए आप इस शो के मजे आसानी से उठा लोगे। तो ये थे आज के कुछ बेहतरीन चाइनीज ड्रामा शोज, जिन्हें आप यहाँ से आसानी से देख सकते हो, और स्पेशली नंबर 1 की जो डुओलियो कॉन्टिनेंट सीरीज है उसको आप
तरह से देखोगे तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी हमने इन शोज को पहले ही देख और इंजॉय कर लिया है, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से जाओ और देख लो। लेकिन जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, आपको ये शोज कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज बता देना, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की, जिस तरह की भी आप देखना चाहो, शोज और मूवीज ढूंढ कर ला सके। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।